हमें पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन की दी गई है, x t पैरामीटर है, x भी फंक्शन t का है और y भी फंक्शन t का है। तो अगर हम पैरामीटर को पहले ही एलिमिनेट कर लेते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो तब भी हमारा आंसर सेम आता है। तो हमें पैरामीटर t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, से x इंटू वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4t इंटू 4 बाई टी। अब ये टी टी आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 16 एक्स वाई इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से y एज ए सब्जेक्ट हम बना लेते हैं, तो 16 अपॉन x हो जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 16 अपॉन x, 16 कांस्टेंट है तो 16 आपका बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स बचा। और 1 बाई एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर माइनस 1, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस 1 x की पावर माइनस 1 एंड देन माइनस 1 बिकम माइनस 2, तो इट कुड बी रिटर्न एज ए 16, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि जो dy बाई dx है, dy बाई dx इट कम्स आउट टू बी माइनस 16 अपॉन x स्क्वायर, लेकिन ये एक फॉर्म आंसर का है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल आंसर बुक के पीछे या आंसर जहाँ भी दिया गया है, वो वहाँ पे आंसर t के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे, हमारे पास पता है कि x की वैल्यू क्या है, आपके पास 4t है, तो हम यहाँ पे x को 4t से रिप्लेस कर दें, तो dy by dx equals to minus 16 upon 4t का होल स्क्वायर, ये 4t का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे फाइनली आएगा, तो ये 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, मतलब आप इसी को आगे बढ़ा लो, तो माइनस 16 अपॉन 16 टी स्क्वायर, तो ये आपका 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दैट कम्स आउट टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये आपका इन टर्म ऑफ पैरामीटर आंसर हो गया, या यूँ कहें इन टर्म ऑफ टी हो गया डिवाइड बाई डी एस। तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं, मगर आपका टी के टर्म में आंसर पीछे दिया गया होगा।